देश में सिर्फ लोगों को बांटने का काम करते हो। नीतू को उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। कुंवर दानिश अली आज ये नाम पूरे देश में शोहरत पा चुका है। कुंवर दानिश अली इस चेहरे को आज पूरा देश पहचानता है। कुंवर दानिश अली देश का किसान, देश का आम आदमी, इस आवाज पर हर कोई भरोसा करता है। बेबाक और दो टूक अंदाज में बात करने वाले कुंवर दानिश अली को आम और खास सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। खास तौर से वो लोग जो सच्चाई, इंसाफ, भाईचारा और सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं। सिंसियरली विद ऑल ऑनेस्टी आई कैन अपील टू द पीपल ऑफ द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी टू इलेक्ट अपकमिंग लीडर लाइक दानी हुई। आई ट्रीट हिम एज माय सन। आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि जिस दिन अच्छे लोग राजनीति में आने लगेंगे उस दिन इस देश की तकदीर बदल जाएगी और आम लोगों का जीवन बेहतर से बेहतर हो जाएगा। कुंवर दानिश अली उन्हीं अच्छे लोगों में से हैं जो राजनीति में हैं, जिनका उद्देश्य देश की सेवा करना और लोगों की तकदीर बदलना है। दानिश अली को भी मैं पिछले 20-25 साल से जानता हूँ। इनके दिल में एक दर्द है किसान के लिए, गरीब आदमी के लिए, गांव में रहने वाले के लिए, और ये हमेशा सोचते हैं कि मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आप कहें भी तो ये गलत काम करने वाले नहीं हैं। कुंवर दानिश अली का ताल्लुक एक किसान परिवार से है। आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से शिक्षा प्राप्त की और छात्र नेता के तौर पर प्रसिद्ध हुए। छात्र नेता के तौर पर युवाओं के हक के लिए लड़ाइयां लड़ी और बहुत सारी कामयाबियां अपने नाम की। दानिश को एक स्टूडेंट के रूप में देखा, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में देखा, एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में देखा। अगर आप दानिश को चुनते हैं ना, तो आपको अपने चुनने पे फख्र होगा। आपको बाकी नेताओं की तरह उसके लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना होगा। जब जाएंगे दानिश आपको खड़ा मिलेगा। सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद कुंवर दानिश अली ने अपनी योग्यता से तमाम बड़े और कद्दावर राजनीतिक और सामाजिक शख्सियत को प्रभावित किया और लोगों के दिलों में अपने लिए खास जगह बनाई। दानिश जैसे लोगों का पार्लियामेंट में आना पार्लियामेंट को भी मजबूती प्रदान करेगा। कुंवर दानिश अली दिलों को जोड़ने का हुनर जानते हैं। वो इस बात में यकीन रखते हैं कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। कुंवर दानिश अली का लक्ष्य देश को आगे ले जाना है, समाज को खुशहाल बनाना और दिलों से नफरत मिटाना है। इनके कैरेक्टर में है कि जिसके साथ जुड़ गए, जिसको पसंद करते हैं, जिसके साथ काम किया, बड़ा मुश्किल है इनके लिए उसको छोड़ना। कुंवर दानिश अली के व्यक्तित्व में एक आकर्षण है और इस आकर्षण का कारण ये है कि वो सच का साथ देते हैं और झूठ बर्दाश्त नहीं करते। उनकी इसी खूबी की वजह से राजनीतिक पार्टियां, नेता और आम लोग उन पर भरोसा करते हैं। कुंवर दानिश अली ने देश की बहुत सी सेक्युलर पार्टियों को एक दूसरे के साथ खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक मजबूत गठबंधन के द्वारा सांप्रदायिक पार्टियों का रास्ता रोक दिया। उनके प्रयासों से उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर दक्षिण भारत में पहली बार जनता दल सेक्युलर और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ और कर्नाटक सरकार में बीएसपी का एक मंत्री भी बना, और ये भी कुंवर दानिश अली के प्रयासों से ही संभव हो पाया। कुंवर दानिश अली की इन कोशिशों का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि देश में सेक्युलर पार्टियों के बीच गठबंधन के एक नए दौर का आगाज हुआ। कुंवर दानिश अली देश हित में एक से बढ़कर एक काम करते रहे हैं, लेकिन जब कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर की गठबंधन सरकार बनी तो वो अचानक सुर्खियों में आ गए, क्योंकि ये गठबंधन भी उनके सफल प्रयासों का नतीजा था।
कर्नाटक के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कम सीटों के बावजूद जेडीएस ने सरकार बनाई, और केंद्र सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद धन बल वाली शक्तियों को शिकस्त दी। जो कर्नाटक में आज भाजपा सत्ता में नहीं है, उसका बहुत कुछ श्रेय कुंवर दानिश अली को जाता है। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत 5 सदस्यीय समन्वय समिति बनाई गई और कुंवर दानिश अली को इस कमेटी का संयोजक बनाया गया। कुंवर दानिश अली ने सरकार बनने के बाद किसानों का कर्ज माफ कराने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। कुंवर दानिश अली की इसी समझ बूझ और वक्त पर फैसला लेने का गुण उनको लोगों की निगाहों में बुलंद करता है। आज उनको किंग ऑफ अलायंस कहा जाने लगा है, जो किसी सियासी लीडर के लिए गौरव और सम्मान की बात है। कुंवर दानिश अली एक अनुभवी लीडर है, जो जनता के दिल की आवाज सुनते हैं और उनके दर्द को समझते हैं, सबको सम्मान देते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। सबको साथ लेकर चलने का उनका यही तरीका उनको लोगों के करीब कर देता है। हमारे देश को आज ऐसे ही लीडर की जरूरत है, जो किसी भी स्थिति और दबाव में अपने विचार और अपनी आइडियोलॉजी से समझौता ना करे, जिसका दामन पाक हो, जिसकी जबान सच बोलती हो और जिसका दिल आम जनता के लिए धड़कता हो।